आज मैं आपको डबल कटोरी ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ। तो पहले अच्छे से कटिंग करेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिलना बताऊंगी। डबल कटोरी ब्लाउज ये आपके लिए एक नया टॉपिक है। इसमें नोक की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और इसकी फिटिंग बहुत सुंदर आती है। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 1 मीटर का मैंने कपड़ा लिया है, अब इसको खोलेंगे। तो इसको लंबाई में फोल्ड कर देना है। तो कपड़े को डबल में फोल्ड कर दिया और अब आपको देखना है कि आप कितने साइज का ब्लाउज बना रहे हैं। उसमें आपको मार्जिन ऐड करके कपड़े को फोल्ड कर देना है। आधा इंच के हिसाब से पहले आपको एक नीचे की साइड निशान लगा देना है। अब आपको ब्लाउज की लंबाई देखना है। तो जैसे कि इस ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच, तो इसकी कटिंग करेंगे हम 15.5 इंच से। अब आपको शोल्डर का नाप रखना है। जैसे कि शोल्डर अगर 10.5 है तो उसका हाफ रखेंगे 5 इंच 2 पॉइंट। शोल्डर का नाप रखने के बाद यहाँ पे मार्जिन लेना है। अब आपको निशान लगाना है आर्म होल का। तो आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच का। तो मार्जिन के निशान से इसको सीधा कर दिया। अब उसके बाद सीना का चौथाई भाग रखना है। तो जैसे कि मैं इसको 36 में बना रही हूँ तो इसका चौथाई भाग होगा 9 इंच। इसका निशान लगाएंगे 9 इंच 2 पॉइंट पे। तो आप जिस साइज का भी बना रहे हैं उसका आपको चौथाई भाग लेना है और 2 पॉइंट लेना है हाई और हॉकी के लिए। और इस निशान को सीधा करेंगे। अब नीचे की साइड आपको निशान लगाना है कमर का। तो जैसे कि कमर 31 इंच है तो उसका चौथाई भाग होगा 7.5 इंच, मतलब 8 इंच में 2 पॉइंट का। और 2 पॉइंट हाई होके का है तो इसका निशान लगेगा 8 इंच पे। और अगर आप प्लेट वाला बनाते हैं तब आपको यहाँ पे बढ़ा देना है, तो आप निशान लगाएंगे 9 इंच पे। तो इस तरह आप निशान लगा सकते हैं। तो ये निशान हो गए, तो इसमें आप बेल्ट वाला ब्लाउज बना सकते हैं। और इसको तिरछा कर देंगे और ये हो गया मार्जिन का। तो इसमें 1.25 इंच का मार्जिन रख लिया। 1.25 इंच का ही मार्जिन हम इधर ले लेंगे और इसमें जो हमने अभी 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको बेल्ट लगाने के बाद कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पे निशान लगाना है आपको गले के लिए। तो गले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे, लंबाई में लगाएंगे 6.5 इंच पे। अब इसमें गुलाई देना है, यहाँ पे 2 पॉइंट का झुकाव, इस तरह झुकाव कर देना है। यहाँ पे आर्म होल की गहराई देना है, तो इस निशान से आपको 1 इंच की गहराई देना है। तो इस तरह रखेंगे और 1 इंच की गहराई का निशान लगा देंगे। तो इस तरह आपको गुलाई देना है। अब आपका जो डाउट है इधर वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। तो ये आर्म होल का निशान आपको कैसे लगाना है वो आप ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं अभी आपको बॉडी से नाप लेके नहीं बता पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको ब्लाउज से आइडिया बता रही हूँ। तो अब आप ध्यान दीजिए कि इसका निशान लगाया था हमने 6 इंच का, ठीक है। अब इधर से आपको देखना है, जो भी ब्लाउज आपको फिटिंग का बनता है उससे आप आर्म होल का और शोल्डर का नाप ले सकते हैं। वैसे मैंने आपको पूरा नाप लेना ब्लाउज से बताया है तो आप अच्छे से देख के समझ सकते हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ शोल्डर का और आर्म होल का नाप लेके बता रही हूँ। आपको इधर से इंची टेप को रखना है सिलाई के जॉइंट के पास। इस तरह इंची टेप को रखेंगे और इस तरह सीधा रखेंगे और ये जो आस्तीन की सिलाई है उसके पास हमने इस तरह स्केल को रख दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इसका जो आर्म होल आ रहा है वो आ रहा है 5 इंच 2 पॉइंट का, ठीक है, 5 इंच 2 पॉइंट का। और ये लिया है हमने 6 इंच का, तो आधा इंच जाएगा इसका सिलाई में दबाने का और 2 पॉइंट जाएगा तिरछे में। तो ये कितना हो गया, बनने के बाद ये फिक्स बचेगा 5 इंच 2 पॉइंट का। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो आपका आर्म होल बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 1 इंच की इसकी गहराई है, तो इस तरह आपको 1 इंच की गहराई दे देना है। तो इस तरह आपको अच्छे से समझना है और इसी तरह आपको निशान लगाना है कि इसका जो आ रहा है 5 इंच 2 पॉइंट का आ रहा है। अब इसमें 1/2 इंच सिलाई में दबा हुआ मार्जिन है
और दो पॉइंट इसका तिरछा है तो इसको पौन इंच बढ़ा देना है। और अगर आप चार टक्स का ब्लाउज बना रहे हैं तो यहाँ पे बीच में एक प्लेट रहती है उसका भी आपको ध्यान रखना है, तो आप आधा इंच और बढ़ा देंगे। आधा इंच का मतलब रहेगा यहाँ पे आप दो पॉइंट ही खिसकाएंगे, इसको दो पॉइंट खिसकाएंगे तो ये आधा इंच की प्लेट बन जाएगी। तो इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये बिना प्लेट का है तो इसका आर्म होल इतना है, और अगर इसमें प्लेट बनी होगी तो उसका भी आपको ध्यान रख के बढ़ा लेना है। तो ये हो गया आर्म होल का नाप। अब मैं आपको शोल्डर का नाप लेना बता रही हूँ। शोल्डर का नाप लेने के लिए आपको पहले एक हुक लगाना है और इस तरह मिला के रखना है। तो आप देख सकते हैं कि इस सिलाई से और इस सिलाई तक आपको इंची टेप रखना है, तो जितना भी ये शोल्डर आता है उतना आपको लिख के रखना है, उसी का हाफ आपको रखना है कटिंग करते समय। तो जैसे कि इसका शोल्डर 10.5 है तो इसका हाफ रखेंगे 5 इंच 2 पॉइंट। अब लगाना है बेल्ट के लिए निशान, तो 3.5 इंच पे लगाएंगे ऊपर की साइड एक निशान, इसके बीच में लगाएंगे हम 2.5 इंच पे निशान, और हल्का सा गुलाई करते हुए इस तरह आपको कर देना है। तो ये आ गया आपका बेल्ट का, तो इस तरह आप बेल्ट का निशान लगा दीजिए। उसके बाद हमें अब कटोरी का आकार बनाना है, तो गले के 1 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे, और अगर आप गला छोटा बनाते हैं तो भी आपको 1 इंच गले के ऊपर ही निशान लगाना है, क्योंकि इसको ज्यादा ऊपर से निशान नहीं लगाना है, नहीं तो ये ऊपर की साइड चढ़ेगा। ठीक है, तो ज्यादा ऊपर से नहीं लगाना है, आप इसको नीचे से ही लगाइए तभी ये ज्यादा अच्छा दिखता है। तो गले के 1 इंच ऊपर आपको निशान लगाना है। अब यहाँ पे कटोरी की चौड़ाई का रखना है, तो ये निशान लगाएंगे हम 6 इंच पे और इसको सीधा कर देंगे। तो ये निशान लगा दिया मैंने 6 इंच पे। अब आपको ये निशान हर साइज के लिए कैसे लगाना है तो वो ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे कि ये 9 इंच आ रहा है तो मैंने यहाँ पे एक भाग छोड़ दिया, तो यहाँ पे एक भाग छोड़ दिया और दो भाग को इधर रख दिया। बस इतना ही आपको हर साइज में करना है, 3 भाग में बांट देना है और 2 भाग की आपको कटोरी निकालना है और 1 भाग पीछे की साइड छोड़ देना है। इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक निशान इधर से लगाना है, तो यहाँ पे इस निशान से 2 इंच की दूरी पे लगाना है और इस निशान को इस तरह घुमा देना है और इस निशान को इस निशान से मिला देना है। इस तरह आपको गुलाई से निशान लगा देना है। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब इसकी हमें कटिंग करना है। तो इस तरह आपको कटिंग कर देना है। इसकी कटिंग करने के बाद अब हमें पीछे के पार्ट की कटिंग करना है। तो अब आपको पीछे के पार्ट की कटिंग करना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है लंबाई का, जैसे कि लंबाई 14 इंच है तो इसको सिर्फ आपको आधा इंच बढ़ाना है ऊपर की साइड मार्जिन के लिए, तो इसका निशान रहेगा 14.5 इंच पे। इसका निशान लगा दिया 14.5 इंच पे। अब यहाँ पे आपको तुरपाई के लिए भी इसमें आप मार्जिन रख सकते हैं, तो 1.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे हम जो इसमें कपड़ा फोल्ड कर देंगे, और यहाँ पे भी सीना का चौथाई भाग फिक्स नॉब पे निशान लगा देंगे। इसमें हम 2 पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे, आगे के में 2 पॉइंट एक्स्ट्रा था, इसमें फिक्स चौथाई भाग पे निशान लगा देना है। और यहाँ पे कमर का चौथाई भाग 7.25 इंच, उसके बाद 1-1 इंच की यहाँ पे टक्स बनेगी तो 1 इंच बढ़ा देंगे, तो 7.25 इंच पे निशान लगा देंगे। तो अब आपको आगे के पार्ट को उठाना है और इस तरह मिला के रख देना है, तो ऊपर से मिला के रख देना है, तो ये 2 पॉइंट आगे की साइड निकल गया क्योंकि इसमें 2 पॉइंट कम है और इसमें 2 पॉइंट ज्यादा है। अब आपको पीछे का गला देखना है कि आपको कितना लंबा रखना है और कितना गोल रखना है।
तो यहाँ से तो इसका निशान ढाई पे ही रहेगा ऊपर की साइड। अब यहाँ पे आप अपने मन का बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने 9 इंच पे निशान लगा दिया। आप इससे कम भी कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। तो गला आपको अपनी पसंद से बढ़ाना है या घटाना है। गले का गोल निशान कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तरह मिला के रखना है, इसको 2 पॉइंट तिरछा करना है, ऊपर से 2 पॉइंट ही तिरछा ही रहेगा। और इसको बराबर मिलाते हुए यहाँ तक बराबर मिलाना है। अब इस निशान से पीछे की साइड में 1/2 इंच बढ़ाना है। इस तरह आपको 1/2 इंच बढ़ा के रखना है। अब हमें प्लेट का निशान लगाना है, तो 4.5 इंच पे प्लेट का निशान लगाएंगे। लंबाई में भी हम 4.5 इंच लगाएंगे। और यहाँ पे आपको इस तरह सीधा रखना है 1/2 इंच। 1 इंच की प्लेट बनेगी। इधर तक हमारी सीधी सिलाई रहती है, उसके बाद इसको इस तरह मिला देना है। इस तरह आपको प्लेट बना देना है। अब हमें इसकी कटिंग कर देना है। मार्जिन का भी आपको ध्यान रखना है, 1/4 इंच बराबर रहेगा। पीछे के पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हमें आस्तीन निकालना है। तो कपड़े को सीधा रखा और इसको उल्टा कर दिया, डबल में कपड़े को रख दिया है। अब आपको अपनी आस्तीन की लंबाई देखना है। जैसे कि लंबाई इसकी 5 इंच रख रही हूँ, तो इसमें 2 इंच का मार्जिन आपको बढ़ाना है, 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्जिन और 1.5 इंच नीचे की साइड मार्जिन। तो इस तरह इसको डबल में रख देना है। उसके बाद इसको बीच से इस तरह पकड़ेंगे और एक बार फोल्ड और कर देंगे। तो ये कपड़ा 4 पुर्त में हो गया है। अब दोनों आस्तीनों की कटिंग एक साथ हो जाएगी। तो अब आपको अपनी आस्तीन की लंबाई का निशान लगाना है और उसमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो जैसे कि इसकी आस्तीन 5 इंच की बनेगी, तो इसमें 2 इंच का मार्जिन लेंगे, 1.5 इंच नीचे का मार्जिन और 1/2 इंच ऊपर का मार्जिन। ये हो गया तुरपाई के लिए मार्जिन और इसको सीधा कर देंगे। 5.5 पे ऊपर की साइड निशान लगाना है। इस निशान से 2.5 इंच नीचे एक निशान लगाना है। तो दूसरा निशान लगा दिया 2.5 इंच पे। अब इस निशान को लगाना है आपको आर्म होल से 1/2 इंच बड़ा। तो ये निशान लगेगा 6.5 इंच का। अब नीचे की साइड हमें मोहरी का निशान लगाना है। जैसे कि मोहरी 12.5 इंच है, तो उसका निशान आएगा 6 इंच 2 पॉइंट पे। इस निशान को इस निशान से मिलाना है। तो इस तरह गुलाई देते हुए आपको नीचे की साइड आना है और इस तरह मिला देना है। यहाँ पे अब आपको मार्जिन रखना है। जितना हमने ब्लाउज में लिया है, उतना ही हमारा बराबर मार्जिन इधर भी रहेगा। तो ये हो गया मार्जिन का। अब हमें निशान पे कटिंग कर देना है। इस तरह आपको आस्तीन की कटिंग कर देना है। अब इसको खोलेंगे इस तरह आपको खोल के रख लेना है। अब इसमें एक साइड में गहराई देना है, तो गहराई देना है आपको 1 इंच में 2 पॉइंट कम। और इस निशान से इस तरह आपको मिलाते हुए ऊपर की साइड ले जाना है। तो इस तरह आपको आस्तीन निकाल लेना है। अब हमें कटोरी निकालना है। इसी कटोरी से अब हमें बड़ी कटोरी निकालना है। तो अब इसको किस तरह निकालना है वो आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ये इसकी लंबाई है जो 6 इंच है, तो इसका बीच का सेंटर आएगा 3 इंच पे। तो 3 इंच पे आपको एक निशान लगा लेना है। ये इसका बीच का सेंटर हो गया। अब जो प्लेट बनेगी वो भी हमारी 3 इंच की रहेगी, तो ऊपर की साइड 1.5 इंच पे निशान लगा देना है और यहाँ पे निशान लगाएंगे 3 इंच पे। अब ये निशान 3 इंच पे आपको किस तरह लगाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस कटोरी की गुलाई को आपको देख लेना है।
तो इसकी गुलाई हुई 9 इंच। तो दो भाग को मैंने ऊपर की साइड छोड़ दिया और एक भाग इसका ले लिया। दो भाग को ऊपर की साइड छोड़ दिया और इसका एक भाग ले लिया, 3 इंच पे निशान लगा दिया। तो इसी तरह आपको तीसरा भाग ले लेना है और यहाँ पे निशान लगाना है 2 इंच पे और इसको इस तरह मिला देंगे, गुलाई से मिला देना है। तो इस तरह इसका आकार बन जाएगा। अब इसकी कटिंग कर देंगे, इस तरह आपको काट के अलग कर देना है। डबल में आपको कपड़े को रखना है और उसके ऊपर इसको रख देना है। तो इस तरह आपको मिला के रखना है और पिन से रोक लेना है। इस तरह आपको पिन से रोक के रखना है और बीच में आपको 1 इंच से कम गैप छोड़ना है। तो ये गैप 1.5 इंच का होगा, यहाँ पे आपको 1 इंच में 2 पॉइंट कम का गैप छोड़ना है। अब उसके बाद क्या करना है, आपको 1 इंच का निशान इस साइड लगाना है और 1 इंच इस साइड, दोनों साइड 1-1 इंच का निशान लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब इस प्लेट का निशान करना है 3 इंच पे। तो ये निशान लगा दिया 3 इंच पे। अब इसको सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद इस निशान को इससे मिला देना है, इस निशान को इससे मिलाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है, गले के पास अब आपको कुछ नहीं करना है, सेम आकार बना देना है। यहाँ पे 2 पॉइंट बढ़ाना है, इस निशान को इस निशान से मिला देना है। इस तरह मिलाने के बाद यहाँ पे आधा इंच ऊपर की साइड ले जाना है इस तरह, और यहाँ से आधा इंच बढ़ाते हुए इस निशान से मिला देंगे। धीरे धीरे हाथ को घुमाते हुए इस निशान से मिला देंगे। इस निशान की जो हमारी प्लेट लगेगी और यहाँ पे जो हमारी प्लेट बनेगी, अब उसका ध्यान दीजिए, दोनों साइड बराबर मार्जिन छोड़ना है, बीच में निशान लगाना है। तो प्लेट हमारी इधर तक बनेगी और ये कपड़ा हमारा ज्वाइंट का रहेगा और सेम निशान पे कटिंग कर देंगे। इस तरह आपको कटोरी काट के निकाल लेना है। पिन को हटाएंगे, इस निशान को सीधा कर देंगे और इन दोनों को निकाल दिया। अब आप ध्यान दीजिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्लेट है वो हमारी 1.5 इंच की बनेगी। तो इस तरह आपको पकड़ना है और इसको दबा देना है। अब यहाँ पे निशान लगाना है आपको 1.5 इंच का। तो 3 इंच में ही प्लेट बनके तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे कट लगा देंगे जिससे आपको याद रहेगा कि प्लेट हमारी इधर से ही बनना है। तो पहले इधर प्लेट बनाएंगे, उसके बाद ये वाली प्लेट डालेंगे। और अगर आप अस्तर वाला बना रहे हैं तो आपको इस जॉइंट को खोल देना है, और अगर आप अस्तर वाला नहीं बना रहे हैं तो आप इस जॉइंट को मत खोलिए, बस इसको पकड़ना है और सिलाई डाल देना है और ये सफाई से आ जाएगा और एकदम परफेक्ट आपकी कटोरी बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरह आपको कटोरी की कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास कपड़ा काफी था, एक मीटर का है, ठीक है। तो इसमें मैं डबल बेल्ट बनाऊंगी, डबल कपड़े का बेल्ट बनाऊंगी। और अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आपको क्या करना है, इस बेल्ट के लिए एक पट्टी काटना है और उसमें फोल्ड कर देना है, तो यही बेल्ट आपका बन जाएगा। अब एक कपड़ा ज्यादा है तो मैं इसको रखूंगी और डबल कपड़ा निकाल लेंगे। अगर आप डबल कपड़े का बेल्ट बनाना चाहते हैं तो इस तरह आपको रखना है, ये आधा इंच को बाहर निकाल देना है और बराबर मिला के रखेंगे और कटिंग कर देंगे। तो इस तरह डबल कपड़े का बेल्ट बनके तैयार हो जाएगा। इसका बीच से जॉइंट खोल देंगे
अब हमें गले के लिए पट्टी निकालना है, अब हमें गले के लिए पट्टी निकालना है, तो इस तरह आपको तिरछी पट्टी निकाल लेना है और 1.5 इंच के हिसाब से आप पट्टी को निकाल लीजिए। इस तरह आपको 3-4 पट्टियां निकाल लेना है। अब 2 पट्टी लेना है आपको, एक हाई के लिए और एक हुक के लिए, तो ये 2-2 इंच के हिसाब से आपको ले लेना है। तो ये हमारे आगे का पार्ट है, ठीक है। तो इसमें इसका चेंजेस देखिए, अब आप इसकी इस कटोरी को हटा दिया, बड़ी साइज की कटोरी को फिट कर देना है, तो ये इसकी डबल कटोरी हो गई है और इस बेल्ट को हटा दिया है मैंने और यहाँ पे डबल बेल्ट फिट कर देंगे। तो इस तरह ही आगे का पार्ट तैयार हो जाएगा। ये पीछे का पार्ट है, ये इसकी आस्तीन है और ये हाई और हुक की पट्टी है और एक गले की पट्टी है। तो इस तरह कटिंग पूरी हुई है। तो अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपके पास कपड़ा कम है तो पहले आप पूरी कटिंग को पेपर पे कीजिए, पेपर की कटिंग को आप कपड़े के ऊपर रखिए, जिससे आपका कपड़ा वेस्ट नहीं होगा और आप आसानी से अच्छी कटिंग कर सकते हैं। और कटिंग करते समय अगर मिस्टेक भी होगी तो आपकी पहले पेपर में होगी, ठीक है। तो पहले आप पेपर पे रिपीट करिए, फिर आप कपड़े पे कटिंग करिए। तो इस तरह कटिंग पूरी हुई। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए सिलना शुरू करते हैं। आगे के पार्ट से सिलना शुरू करेंगे। तो इसका एक भाग उठाएंगे, और एक इसको उठाएंगे और इसको अलग रख देंगे। एक बेल्ट उठाएंगे और एक को अलग रख देंगे। इस तरह आपको उठाना है और पहले प्लेट डालना है। जहां से एक कट लगा है उधर से ही हम सिलाई डालेंगे और यहाँ पे रोक देंगे। तो सिलाई डालने के बाद अब आपको इस निशान पे सिलाई डालना है। तो इसको इस तरह पकड़ेंगे और इसी निशान से कपड़े को दबाएंगे और एक पैर के मार्जिन के हिसाब से सिलाई डालते जाना है। जितना हमने मार्जिन लिया था बस उतना ही आपको दबाना है और सिलाई चलाते जाना है। इस तरह आपको मशीन को घुमाते हुए लाना है। इस तरह आपको गोलाई से सिलाई डाल देना है। उसके बाद इसको सीधा करेंगे और इस कपड़े को इस साइड झुकाएंगे। सिलाई का कपड़ा है उसको आपको नीचे की साइड झुकाना है। तो इस तरह कटोरी बनके तैयार हो जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर पफ बन गया है। अब हम इसको उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरह रख देंगे। तो ये सीधा है और इसको हमने उल्टा रख दिया। गले की साइड से ही मिलाना है और सिलाई डालते जाना है। तो आपको 1/2 इंच के हिसाब से सिलाई चला देना है, मिलाते जाना है और सिलाई चलाते जाना है। किसी कपड़े को आपको खींचना नहीं है और आराम से सिलाई डाल देंगे, क्योंकि ये कपड़ा पूरा ऑरिफ हो जाता है। इस तरह आपको गुलाई से सिलाई डाल देना है। सिलाई डालने के बाद इसको सीधा करेंगे और इस कपड़े को इस साइड झुकाएंगे। इस तरह जॉइंट करने के बाद तो आप आराम से सिलाई डालेंगे तो आपका कोई कपड़ा नहीं बढ़ेगा, और अगर बढ़ जाता है तो आप थोड़ा सा छांट के निकाल भी सकते हैं। अब आपको बेल्ट फिट करना है। तो देखिए अभी उल्टा है, सीधे साइड से इसको खोल दिया और इसके ऊपर रख दिया और इस साइड से ही सिलना शुरू करेंगे। और आपको ध्यान देना है इस प्लेट के कपड़े को इस तरह कर देना है, जब हम सिलाई करेंगे तो इस कपड़े को इस तरह फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड। तो इस कपड़े को आपको अंदर की साइड दबा देना है।
इस तरह बना देंगे प्लेट को, इस तरह मिलाएंगे और इसको पलट देंगे। इस तरह पलटना है और पूरे कपड़े को इस तरह फोल्ड कर देंगे। पूरे ब्लाउज के कपड़े को इस तरह फोल्ड कर दिया है, ठीक है। अब उसके ऊपर हमने इसको रख दिया। अब आधा इंच के हिसाब से आपको सिलाई चलाते जाना है, तीनों कपड़ों को मिला के सिलाई चलाना है। तो इस तरह सिलाई डालने के बाद अब आपको इस कपड़े को खींचना है, बाहर की साइड खींचना है और इसको निकाल देना है। तो इस तरह आपका डबल कपड़े का बेल्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि पीछे से भी इसमें सुंदर सफाई आती है और आगे से भी। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बड़ा है उसको काट के निकाल देंगे। इस तरह आपको कटोरी फिट करना है। अब इसी तरह हमें दूसरी कटोरी को फिट करना है। पहले हम प्लेट बनाएंगे और फिर हम बीच की प्लेट बनाएंगे और उसके बाद इसको ज्वाइंट करना है और फिर हमें बेल्ट फिट करना है। अब आप ध्यान से और इसको भी तैयार कर लीजिए। तो इसमें आपको इतना ही ध्यान देना है कि जब हमारा बेल्ट बनेगा तो उसमें आपको अंदर की साइड टांकी बांध देना है, जिससे इसका ज्वाइंट नहीं खुलेगा, ठीक है। और इसको भी प्लेट को अंदर की साइड फोल्ड कर देना है, जिससे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो जाती है प्लेट और अच्छी फिटिंग आती है। इस तरह दोनों को कंप्लीट कर दिया है। अब आपको चेक कर लेना है एक बार कि सिलाई से सिलाई मिल रहा है या नहीं। तो इसके बाद अब हमें पट्टी लगाना है। तो जैसे कि आप सिंपल ब्लाउज में लगाते हैं, बस वैसे ही आपको लगाना है। रखेंगे और सीधा मिलाते हुए सिलाई डाल देंगे। तो इसमें लगेंगे हमारे हुक, ठीक है, जिसमें हम मिला के सीधी सिलाई डाल देंगे, इसमें हुक आएंगे। और एक साइड की पट्टी पे जिसमें हम हाई भरेंगे उसको थोड़ा सा दो पॉइंट कपड़े को निकाल देंगे, क्योंकि इसमें हम आधा इंच कपड़े को बढ़ाएंगे। हल्की सी सेटिंग कर देना है। तो दोनों साइड सिलाई डाल देना है। कपड़े को आधा इंच बड़ा रखना है, बाकी कपड़े को काट के निकाल देंगे। तो दोनों में सिलाई डाल दी है। उसके बाद इस कपड़े को इस तरह झुकाएंगे और आधा इंच कपड़े को इस तरह फोल्ड करेंगे और इस कपड़े के ऊपर इस तरह रख देंगे। इसको बढ़ा के कपड़ा रखना है। आधा इंच कपड़े को बाहर निकाला और पीछे पलट दिया है। तो ये बिल्कुल वैसे ही बनाना है आपको, जैसे हम सिंपल ब्लाउज में बनाते हैं। हर ब्लाउज में ये पट्टी इसी तरह बनती है। और इसमें आपको दो सिलाई चलाना है, एक किनारे से, दूसरा दो पॉइंट की दूरी पे। तो इस तरह आपको दो सिलाई डाल देना है। अब आपको हुक के लिए पट्टी बनाना है। तो इस पट्टी को फोल्ड करेंगे, इस तरह झुकाए हम, और पहले हम एक सिलाई इसके ऊपर लगा देंगे, इस कपड़े के ऊपर लगाएंगे। तो इसके ऊपर एक सिलाई लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद इस कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और इसको पलट लेंगे। अब इस कपड़े को हाफ पहले फोल्ड करेंगे, इस तरह फोल्ड कर देना है। अब इसको एक बार फोल्ड और कर देंगे। इस पट्टी को पूरा ही पीछे की साइड रखेंगे और इस पे कच्ची सिलाई डाल देंगे। तो एक बीच में से आपको सिलाई डाल देना है। अभी हम कच्ची सिलाई इस पे डालेंगे। तो इस पे अभी कच्ची सिलाई डाल दी है। कच्ची सिलाई को बाद में निकालेंगे और इसमें तुरपाई कर देंगे। तो दोनों पट्टी बनके तैयार हो गई हैं। तो इस तरह आपको पट्टी बना के तैयार करना है। तो आपको एक बात बताऊं, इसी तरह आपको बटन के लिए भी इसी तरह तैयार करना है। तो इस तरफ आपको काज भर देना है और इस तरफ हाई भरते हैं तो इधर आपको बटन लगा देना है। पट्टी इसी तरह बनाना है। तो आगे के पार्ट तैयार हो गए हैं, अब हमें पीछे का पार्ट तैयार करना है। और इस निशान को डार्क करेंगे और इसको भी डार्क करेंगे
और यहाँ पे कट लगा देंगे। इस निशान को इस तरफ लाएंगे, इस तरह बराबर मिलाएंगे और इसको दबा देंगे। तो ये निशान इधर आ गया और ये निशान इधर आ गया। अब इसको डार्क कर देंगे और दोनों साइड प्लेट बना देंगे। अब इधर से ही आपको कपड़ा पकड़ना है, यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे, यहाँ तक सीधा लाएंगे और फिर हम तिरछा करते हुए ऊपर की साइड चले जाएंगे। तो इस तरह आपको प्लेट बना लेना है। एक प्लेट को इस साइड झुका देंगे, दूसरी प्लेट को इस साइड झुका देंगे। इसी कट के निशान से हम कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। पहले आधा इंच कपड़े को फोल्ड करेंगे और फिर एक इंच कपड़े को। तो इस तरह आपको कपड़े को दबाते जाना है और इस पे कच्ची सिलाई डाल देना है, संभालते जाना है और सिलाई डालते जाना है। इस तरह आपको कच्ची सिलाई डाल देना है। इस निशान को पूरा किया। इस निशान को पूरा करने के बाद अब आप एक बार नाप के देख सकते हैं, जैसे कि कमर 31 इंच थी तो उसका हाफ 15.5 इंच अपने से आ जाएगा। तो निशान पे जब हम सिलाई चलाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट ही चलेगा। इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब इसके ऊपर आगे के पार्ट को रख देंगे। इस तरह आपको मिला के रखना है। आधा इंच के हिसाब से दोनों साइड सिलाई डाल देना है। कंधे की सिलाई लगाने के बाद अब हमें बगल साइड में सिलाई लगाना है। पीछे के निशान को देख लीजिए और उसी के ऊपर सिलाई चला दीजिए। दोनों साइड निशान है, निशान के ऊपर ही आपको सिलाई चलाना है। फिटिंग की सिलाई डालने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अब हमें पाइपिंग लगाना है। अब हमें पाइपिंग के लिए पट्टी ज्वाइंट करना है। तो इस तरह रखेंगे मिला के। तो तिरछी पट्टी को रखना है आपको, एक नोक इस तरफ और दूसरी नोक इस तरफ। इस तरह आपको सिलाई डाल देना है। अब इसको इस तरह खोलेंगे और इस कपड़े को दोनों भाग में बांट देंगे। और जैसे हम गले में पाइपिंग बनाते हैं वैसे ही आपको पाइपिंग बनाना है। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, इसी तरह आपको 2-3 ज्वाइंट लगाना है और फिर कपड़े को डबल फोल्ड करना है और इस कपड़े को खींचना है। इस तरह नाखून से दबा देना है। इस तरह ये कपड़ा पूरा खींच जाएगा। तो आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड करेंगे और इसको डबल कर देंगे। एक साइड से मिला के रखना है और मिलाते जाना है, सिलाई को डालते जाना है। सिलाई आपको 2 पॉइंट की चलाना है। तो पट्टी को हमें डबल ही रखना है और बस सिलाई चलाना है। तो इस तरह आपको सिलाई लगा देना है। सिलाई लगाने के बाद अब आपको इसकी थोड़ी सी शेडिंग करना है। थोड़ा सा कपड़ा इसमें से काट के आपको निकालना है, जिससे ये कपड़ा एकदम सेटिंग में आ जाएगा। इस तरह आपको थोड़ा थोड़ा कपड़ा काट के निकाल देना है। उसके बाद अब आपको इस तरह कपड़े को झुकाना है और इसके ऊपर भी नाखून लगा देना है, जिससे ये कपड़ा नीचे की साइड झुकाव ना ले। अब इस कपड़े को इस पट्टी में पूरा भरना है। इस तरह पकड़ना है आपको। ये जो कपड़ा होता है इसको पट्टी के अंदर फोल्ड करना है और इस पट्टी को इसके ऊपर फोल्ड करना है। इस तरह आपको पकड़ना है। तो अब जितना पतली चाहें उतना पतला बना सकते हैं।
बस आपको इसके नीचे नीचे सिलाई चलाना है। सिलाई चलाते समय आपको ध्यान देना है कि सिलाई पाइपिंग के ऊपर ना चले। मशीन चलाते समय आपको ज्यादा फास्ट मशीन नहीं चलाना है, थोड़ा सा इसको संभाल लेना है, फिर मशीन चलाना है, फिर संभालना है और फिर मशीन चलाना है। तो इस तरह आप आराम से इसको बनाइए तो आपकी परफेक्ट और सुंदर बनेगी। और आप देख सकते हैं कि पीछे की साइड कपड़ा इतना नहीं होता है कि आगे की साइड पलट के आ सके। अगर आप इस तरह पाइपिंग बनाएंगे तो आपकी पाइपिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह आपको पाइपिंग लगा के तैयार कर लेना है। पाइपिंग के बाद अब हमें आस्तीन लगाना है। अब आस्तीन उठाएंगे और यहाँ पे एक कट लगा देंगे। दोनों आस्तीनों को अलग करेंगे और इसमें निशान लगा देंगे कि ये हमारा सीधा है। अब आपको इस कपड़े को तुरपाई के लिए फोल्ड करना है। पहले आधा इंच करेंगे, तो पहले आधा इंच कपड़े को फोल्ड करना है और फिर एक इंच कपड़े को। तो इसी कट के हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर दिया और इस पे कच्ची सिलाई लगा देंगे। और इस पे हमें अभी कच्ची सिलाई डाल देना है, बाद में तुरपाई करना है। तो इस तरह आपको सिलाई डाल देना है। उसके बाद अब हमें इसको बंद करना है, तो अब आपको सीधी सिलाई डाल देना है। इस तरह आपको सिलाई डाल देना है, तो आपको अपनी मोहरी के हिसाब से सिलाई डाल देना है। अब इसको सीधा करेंगे और इस तरह हमें मिला के देख लेना है कि आस्तीन हमारी बिल्कुल बराबर है। अब हमें अंदर की साइड से हाथ लाना है और इसकी जॉइंट को पकड़ लेना है। जॉइंट से जॉइंट को मिलाएंगे, अंदर की साइड इसको खींचना है और अंदर की साइड से ही सिलाई डालना है। आधा इंच के हिसाब से सिलाई गोल घुमा देना है। तो इस तरह आपको गोल सिलाई घुमा देना है। अब हम इसको सीधा कर देंगे। इस तरह आपको आस्तीन लगा देना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जॉइंट से आपको जॉइंट मिलाना है और इस तरह आपकी आस्तीन लग के तैयार हो जाएगी। इसी तरह आस्तीन हमें दूसरी लगाना है। दोनों आस्तीनें लग के तैयार है। ब्लाउज बन के पूरा कंप्लीट है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। और ट्राई करते समय आपको ध्यान देना है, कटोरी को ज्वाइंट करते समय आपको बस इतना ही ध्यान देना है, जो हम प्लेट बनाएंगे, ये वाली जो हमारी प्लेट बनेगी उसको आपको यहाँ तक बनाना है। जो मार्जिन का कपड़ा है उधर तक आपको दबाते हुए नहीं ले जाना है। सिलाई हमारी यहाँ तक चलेगी। इस कपड़े को आपको इस तरह दबाना है और मशीन को यहाँ से एकदम पतला धागा कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कपड़ा दबाना नहीं है, ऊपर की साइड कपड़ा नहीं दबाना है, सिर्फ मशीन को इस तरह निकाल देंगे तो ये नोक आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी। और अगर आप इस तरह कपड़े को दबाते हुए ले जाएंगे तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइए। और अगर आपको इसमें कोई कमी लगती है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं, जिससे वीडियो और अच्छी बन सके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।